सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए क्वेश्चन के साथ आ गया हूं। मिड्स नंबर, मिड्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर बोलते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर एंड से whether it is a mids number or not, a number is said to be mids number where it is divisible by 5। पहली कंडीशन क्या आती है? divisible by 5 and give quotient आपका 2। क्या बोला जाता है? एक ऐसा नंबर जो कि क्या हो, divisible by 5 हो और quotient क्या दे रहा हो, quotient आपका दे रहा हो 2। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड है, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड्स नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज समझ लेते हैं, इसकी कंडीशन कैसे बनेगी, मतलब डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है। डिविजिबिलिटी अगर ए को बी से डिवाइड करने पे, ए को बी से डिवाइड करने पे क्या क्या कैसे पता चलेगा कि डिविजिबल है, मतलब ए को अगर बी से डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या है, वो जीरो है, दैट मींस ये क्या है, डिविजिबल है। तो आप रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है, मॉडुलस का यूज होता है। तो मतलब पहली कंडीशन क्या बन गई इसकी, इफ नंबर इज मॉड 5 is equal equal to 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये चेक हो जाएगी पहली कंडीशन कि वो डिविजिबल है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन 2 दे, क्वेश्चन कितना दे, 2 दे। तो क्वेश्चन कैसे पता चलता है, क्वेश्चन इसकी हमसे पता चलता है, तो a divided by, that means number, number को क्या करें, डिवाइड करें 5 से, तो क्वेश्चन कितना आ रहा हो, 2 आ रहा हो। तो ये दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन के बेसिस से पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक int n नाम का वेरिएबल, उसके अंदर एक मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर नंबर। आपको क्या करना है, दो कंडीशन चेक कराना है, उसके लिए आप एक नंबर ले लोगे, एंटर नंबर और उसके बाद फिर n इज इक्वल टू व्हाट, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, n इज इक्वल टू व्हाट, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, और एक कंडीशन फॉर्म करेंगे, इफ n मॉड 5 इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन एंड एंड क्या बोला है, नंबर इज सेड टू बी मिड्स नंबर व्हेन इट डिविजिबल बाय 5 एंड गिव क्वेश्चन आपका 2। तो n डिवाइडेड बाय 2 5, ये दूसरी आपकी कंडीशन, दोनों ट्रू होनी चाहिए। बीच में एंड क्यों लगा, बीच में एंड इसलिए लगा है ताकि ये दोनों को हम चेक करा पाए कि भाई दो की दोनों कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो आपका ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन नंबर इज मिड नंबर, ठीक है। देखिए इस हिसाब से आपको आज इस क्वेश्चन से क्या समझा, इस क्वेश्चन से आपको होपफुली ये क्लियर होगा कि मॉडुलस का काम क्या होता है। मॉडुलस का काम होता है रिमाइंडर देना, डिवाइड का काम क्या होता है, डिवाइड का काम होता है क्वेश्चन देना, और इफ एल्स की कंडीशन में एंड और का बेटर यूज कैसे होता है, ठीक है। तो ये हर एक क्वेश्चन को आपका एक बेसिक क्लियर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एल्स लगेगा यहाँ पे, एल्स के केस में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नंबर इज नॉट मिड्स नंबर, ठीक है। ये होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो नीचे कमेंट करके बता देना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इफ एल्स होपफुली अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इफ एल्स काम कैसे करता है, और बेसिक्स आपके प्रोग्राम को और अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और नंबर देखेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।